हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये रियलमी 3 है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए दो प्रॉब्लम है इसमें। एक शीशा भी टूटा है दोस्तों, और लेकिन ये सेट डेड है दोस्तों। और चेक कर रहे हैं तो शॉर्टिंग है, और इसको हम जैसे ही लगाते हैं बैटरी कनेक्टर तो ये हीट होने लगता है दोस्तों। तो जब भी इस तरह दिक्कत हो दोस्तों, तो आप कैसे इसको मतलब रिपेयर कीजिएगा, तो इस वीडियो में जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये पूरा शॉर्टिंग है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, और ये हीट भी होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, देखिए बीप है दोस्तों, और इधर देखिए, देखिए शॉर्टिंग है दोस्तों। तो इसको ये मेरा थोड़ा मीटर ख़राब है दोस्तों, नहीं तो बीप करता है ये कभी कभी। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों, आप भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि कहाँ पर गर्म होता है दोस्तों इसको हम दिखाएंगे आपको। बैटरी को भी खोल लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूरा गर्म होता है दोस्तों, और चार्ज में लगाना है दोस्तों और ज़्यादा हीट होने लगता है। तो आपके पास जब भी हीट होने हो तो समस्या दोस्तों, तो कैसे उसको फाइंड करना है कि दिक्कत क्या है। बहुत भाई इसमें हीट मतलब पहचान नहीं पाता, मतलब आईसी को भी रिमूव कर देता है। देखिए दोस्तों, आईसी जल्दी रिमूव नहीं कीजिए, क्योंकि कभी कभी आईसी का दिक्कत नहीं रहता, एक कंपोनेंट का भी दिक्कत हो सकता है, कैपेसिटर का भी। देखिए इस तरह जैसे ही लगाएँ, यहाँ मतलब हीट होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि टीना है तो थोड़ा कम बुझाएगा, लेकिन अंदर पूरा हीट होता है दोस्तों, और चार्ज में लगाना है तो और ज़्यादा होने लगता है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं दोस्तों, टीना को इसको रिमूव करना होगा। तो आपके पास यदि इस तरह है ब्लेड, या तो होगा ही दोस्तों, तो इससे आप इस तरह कर लीजिएगा पहले साइड में, क्योंकि इस तरह करने से ना उसका जो प्रिंट मतलब नहीं उखड़ने का रहता है, ट्रैक मतलब नहीं उखड़ेगा मतलब। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे और लंबा वीडियो ना हो दोस्तों। तो मैं फटाफट काट लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल में रिपेयरिंग के बारे में हर कुछ डालते रहता हूँ दोस्तों, कोई सा भी फोन का। तो देखिए दोस्तों, खुल गया, और इसमें ना दोस्तों ये जो आईसी है यही हीट होता होगा। तो बहुत भाई इसको रिमूव कर देता है, लेकिन आपको नहीं करना है। देखिए आप इस तरह थिनर या रोजिन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी मेरे पास शायद रोजिन नहीं है, तो मैं यूज नहीं कर रहा। आप पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, या तो थिनर, या देखिए, देखिए दोस्तों आईसी को कैसे सूख रहा है, मतलब आईसी कोना में। यही पर दिक्कत है दोस्तों, कि ये थोड़ा हीट हो रहा है दोस्तों, इसीलिए। तो इसको आप आईसी को पहले रिमूव नहीं कीजिए दोस्तों, उसका अगल बगल देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। हीट कर केवल हीट आईसी होता है दोस्तों, लेकिन अगल बगल रहेगा ना तो हीट आईसी ही होता है, क्योंकि उसका आगे का जो कनेक्शन रहता है वहाँ ब्लॉक हो जाता है, तो ये आईसी पे लोड पड़ जाता है, इसलिए आईसी हीट होने लगता है। लेकिन आईसी हकीकत में ख़राब नहीं रहता है दोस्तों। तो चलिए आपको बीप पॉइंट में सेट करके उसका कंपोनेंट सब कुछ इसको चेक करना है दोस्तों, कि कौन वाला फुल शॉर्टिंग है या हाफ शॉर्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, आपको बारीक बारीक करके मतलब चेक करना है जितना भी कैपेसिटर है। ये नहीं कि मतलब सब कैपेसिटर ही आप रिमूव कर दीजिए, आपको पहले चेक करना है। आप थिनर से भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, या तो रोजिन हुआ तो उसमें भी पता लगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टिंग है, यहाँ पर भी बता रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा है दोस्तों, दोनों साइड एक ही जैसा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एक कैपेसिटर उड़ा हो सकता है, मतलब शॉर्ट हो सकता है। तो हम देखेंगे दोस्तों, पूरा फाइन करेंगे, उसके बाद ही रिमूव करेंगे, क्योंकि मतलब हड़बड़ी इसमें नहीं करना है दोस्तों, आपको पूरा कन्फर्म होना है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन आपको फाइन करना है। आप थिनर या रोजिन का यूज कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद इसमें पहले बैटरी मतलब दे लेना है आपको। चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, इसमें मैं पहले बैटरी का इसमें कनेक्शन जो प्लस पर रहता है वहाँ पर एक जम्पर कर लेता हूँ दोस्तों वायर, और उसके बाद हम उधर बैटरी सप्लाई का मतलब जो शॉर्ट किलर रहता है दोस्तों, उसका सप्लाई दे के, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हीट कहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर बैटरी का हम लगा नहीं सकते दोस्तों उधर से। तो शॉर्ट किलर सटा सटा देखने से भी काम होता है, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ रहेगा तो उसमें भी दिक्कत। तो एक बार हम मल्टीमीटर से देख लेते हैं दोस्तों, इसका प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पर, और देखिए आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर शॉर्टिंग इस साइड है, और यहाँ पर आपका देखिए यहाँ 500 आ रहा है, यानी यहाँ पर तो हाफ शॉर्टिंग ही बता रहा है दोस्तों यहाँ पर, और इस सिरा भी एक ही जैसे बुझा रहा है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर फुल शॉर्टिंग है दोस्तों। देखिए इस सिरा भी, इस सिरा भी, यानी एक कंपोनेंट को हो सकता है ख़राब। तो चलिए हम इसी को पहले रिमूव करते हैं दोस्तों, और नहीं होता है तो आप आगे भी कर सकते हैं, एक एक करके कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोजिन लगाइएगा ना, हो सकता है
आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपका यदि कंपोनेंट जैसे ये छोटा सा है दोस्तों, चलिए उसको भी हम देख लेंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं, अभी गया कि नहीं देख लेते हैं बोर्ड में। देखिए दोस्तों चला गया, एक सिरा आ रहा है, एक सिरा ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए अभी हम कंपोनेंट को देख लेते हैं दोस्तों कि ये सही में शॉर्टिंग था ना नहीं था। चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा घसक जा रहा है, तो चलिए हम बढ़िया से इसको देख लेते हैं दोस्तों, कन्फर्म हो। हाँ दोस्तों ये शॉर्टिंग हो रहा है, चलिए हम देखते। हाँ पूरा शॉर्ट है दोस्तों, यही होगा दिक्कत। चलिए एक बार हम फिर यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों देखिए, यानी शॉर्टिंग है। अब और इधर से देखते हैं, देखिए 16 आ रहा है, यानी शॉर्टिंग हट गया दोस्तों। बस एक कैपेसिटर शॉर्ट था दोस्तों, और आईसी हीट हो रहा था, मतलब आईसी में थोड़ा धुआं मार रहा था या तो पूरा गर्म हो रहा था। अभी चला गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट ही आईसी नहीं बदल देना है, या मतलब उसको रिमूव नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो मतलब जो रिवॉल्व करने में दिक्कत होगा, क्योंकि छोटी सी बॉल वाला रहता है तो बहुत भारी बार इंस्टेल नहीं होगा, मतलब जो आईसी रिवॉल्व करने वाला जो। तो बस ये छोटी सी था दोस्तों यहाँ दिक्कत, इसके चलते पूरा से डेट था दोस्तों। तो आप ये रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो ई वाला भी रिमूव कर सकते हैं, ई वाला भी, मतलब एक एक करके कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो हॉटगन से निकाल लीजिएगा और फिर खोल के चेक करके फिर बैठा सकते, उस तरह भी कर सकते हैं। ऐसे वहाँ का हट भी जाएगा ये सब कैपेसिटर ना, तो कोई उतना दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अभी हम शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं दोस्तों शॉर्ट किलर से कि हीट हो रहा है क्या। अभी तो हीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, तभी तो गर्म हो रहा था। देखिए दोस्तों अभी कोई गर्म नहीं हो रहा है, यानी 100% सेट ऑन होगा दोस्तों। चलिए आपको हम थोड़ा सामने से भी दिखा रहे हैं, देखिए कोई गर्म नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, यानी 100% शॉर्टिंग निकल गया। बेस एक कैपेसिटर का दिक्कत था दोस्तों। तो आप भी इस तरह कोई भी सेट बना सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि रियलमी 3 आपके पास कोई सा भी हो, ओप्पो वीवो सैमसंग टेक्नो, इसको इस तरह फिर साट लीजिएगा दोस्तों। मैं थोड़ा फिर वीडियो फास्ट कर दें ताकि वहाँ हीट होगा ना तो थोड़ा शॉक लेगा, मतलब हीट को। तो आप इस तरह इसको कर लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ दोस्तों। चलिए आपको हम चेक कराते हैं दोस्तों कि सेट ऑन हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम फिर शीशा बदल के भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी शीशा इसका ख़राब है दोस्तों, इसलिए लाइट आएगा कि नहीं, लेकिन सेट तो ऑन होगा दोस्तों। चलिए हम दिखाते हैं आपको, देखिए दोस्तों हाँ थोड़ा सा आ रहा है दोस्तों, देखिए यही शीशा लेकिन भंगा है दोस्तों, इसलिए नहीं तो 100% बोर्ड ओके हो गया दोस्तों, यानी फुल शॉट हम लोग बना लिए दोस्तों। तो आप लोग इस तरह छोटा छोटा ट्रिक को यूज कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा हर सेट का, कोई सा भी मॉडल रहे दोस्तों। तो चलिए इसको हम ना दोस्तों इसका जो शीशा है उसको बदल के उसके बाद आपको हम दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप इस तरह रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, कंपोनेंट देखिए यही वाला है, तो आप इसका यूज कर इसका बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ना अभी कट करूँगा दोस्तों, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं शीशा बदल के, देख सकते हैं पूरा इसको लगाएं, अभी हम इसमें लट्ठा नहीं साटे हैं, केवल इसको लगाएं दोस्तों। देखिए ये वाला था, क्योंकि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता दोस्तों, बोट वही है, मोबाइल वही है, केवल मैंने इसका शीशा कुंभ लगाएं। तो आप इस तरह रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।